हेलो दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज है होली और फिलहाल मेरी छुट्टी हो चुकी है। ऑलमोस्ट सिर्फ 10 मिनट बाकी है छुट्टी होने में, 8 बजे छुट्टी होगी। तो फिलहाल जो है अभी चलते हैं दूसरे ऑफिस में, क्योंकि कुछ लोग अभी आएंगे ना, तो रंग वगैरह मतलब गुलाल वगैरह लेके आएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो चलते हैं दूसरे ऑफिस में, सबसे मिलाते हैं, थोड़ी बहुत होली वगैरह खेलते हैं, फिर निकलेंगे घर के लिए। लाइट ऑफ करते हैं अभी। गाइस ना, मैं आ चुका था यहाँ पे पीडियाट्रिक यूरो गेस्ट, तो कुछ काम था यहाँ पे इसीलिए आए थे। ये लुक देखो कितना अच्छा लग रहा है। एनीवे चलते हैं अभी दूसरे ऑफ। तो गाइस, सुबह तो हो चुकी है, देखो एक लाइट ये जल रही है ना, दो तीन लाइटें उधर जल रही हैं। तो चलो थोड़ा सा भाई लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिया, मेरे कहने से पहले ही ऑफ कर दिया है भाई। सभी को होली की शुभकामनाएं भाई, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहला भाई गुलाल जो है लग चुका है, ये ग्रीन कलर का लग रहा है, लेकिन सभी ठीक है भाई। भाई गुलाल ऐसा ही लगाना चाहिए, बहुत लोग पूरे बाल में चेहरे में लगा देते हैं। देखो तिलक लगा है, ये भाई राम लखन जी है। आ जाए कुछ लोग और, आ जाए फिर चलते हैं सभी लोग। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं भाई, सभी को होली की शुभकामनाएं भाई। गुप्ता जी हैप्पी होली भाई, हमारे गुप्ता जी, ये भाई सूरज जी, बहुत सब भाई अभी आना बाकी। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली भाई, सबको बोल देंगे भाभी को। ये देखो भाई, ऐसे होली मिल रहा है भाई। ये देखो भाई, शैलेश जी हैं, आराम से बस। क्या कीजिए, सामान हैप्पी होली आपको, हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली सभी लोग भाई, यही ऐसे ही हमेशा खुश रहे। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी भाइयों को मेरी तरफ से और उनके सारे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी होली, और उन सभी लोगों अब आप शब्द नहीं मिल रहे थे और हमारे उत्कर्ष भाई के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे से आज का दिन सेलिब्रेट करें। और एक चीज का ध्यान रखें कि रास्ते पर गाड़ी चला के मत जाएं, क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा होता है इस टाइम। तो अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें और एंजॉय करें। और जहाँ भी जाएं बाई चांस तो हेलमेट लगा के जरूर जाएं। ओके, चलिए हैप्पी होली गाइस, अब निकलते हैं। ओके बाय भाई, लगाते हैं ग्राउंड, लिफ्ट में आ गए हैं अभी। भाई हमारे ऑफिस में ना ऐसे ही बहुत मस्ती करने वाले होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। तो अभी तो कुछ लोग आए नहीं थे, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, सबसे पहले यही लोग आ गए। लेकिन भाई मुझे लेट हो रहा था, मुझे निकलना है घर के लिए भी, इसलिए मैं वहां से निकल आया। ग्राउंड आ गया अभी, आ जाओ। अरे रंग लगा लो भैया, उनको भाई रंग से बहुत एलर्जी होती है ना, इसीलिए लगाया नहीं है। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं बाहर, साइकिल में बैठते हैं। फिलहाल साइकिल में बैठ गए। अगर मैं पब्लिक क्राउड की बात करूँ ना, तो आज भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, मतलब ज़्यादा आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो डेली आने जाने वाला लोग हैं, कुछ लोग कुछ ड्यूटी आने वाले लोग हैं कुछ लोग। तो गाइस फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं पीजीआई के मेन गेट पे। तो गाइस फिलहाल जो है अभी मेन गेट पे पहुँच चुके हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी पता क्या होती है, अब यहाँ से घर जाने के लिए, क्योंकि आज होली का समय है, साधन वगैरह बहुत कम चल रहे होंगे। तो देखते हैं बस का क्या इशू रहता है, बस मिलती है या और कोई साधन मिलता है। फिलहाल मैं तो बस से ही चलता हूँ, लेकिन आज देखते हैं। तो गाइस बस तो आ रही है, लेकिन पूरी फुल है मुझे लगता है, देखते हैं। ये गाइस यहाँ पे ना बस तो रुकी नहीं है, आप देख सकते हो, ये निकल गई बस। भाई हर होली में मेरी नाइट ड्यूटी रहती है और आज भी नाइट ड्यूटी है, ऐसे में 10 बजे 11 बजे पहुंचता हूं घर। आज देखते हैं कितने बजे घर पहुंचते हैं। भाई टाइम हो चुका है 8:15, देखते हैं अभी कितना समय और लगेगा यहां पे। आज तो कोई ना भाई यहां पे लिफ्ट भी नहीं दे रहा है, लिफ्ट मांगते हैं तो कोई रुकता ही नहीं है भैया। अरे आप रिक्शा नहीं है भाई, एक बस आ रही है, इसको देखते हैं। ये बस हमारे रूट की नहीं है, ये जाएगी कालू, तो उधर ही जाएंगे ना आप, ले चलिए इनको बचाओ। अब तीन तीन लोग हैं आज बाइक पे, आज इतनी ज्यादा जो है ना भीड़ भाड़ है कि पूछो ना, टेबल से कोई है नहीं कम। टाइम हो चुका है 8:52, ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपनी गांव वाली मार्केट में। बाल देख रहे हो कैसे हो गए इसलिए हवा में। भाई डीजे की व्यवस्था आ चुकी है,
इधर क्या हो रहा है भाई? आकाश हैप्पी होली, अभी आते हैं अभी। चलो भाई फिलहाल जो है घर पहुंच चुके हैं अभी, ऑलमोस्ट जो है अभी घर पहुंच चुके हैं। चलते हैं कमरे में, सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, लाइट थोड़ी सी ऑन और करते हैं ब्रश। तो भाई अब 10 बज रहे हैं, 10 बजे हो रहा है हमारा ब्रश, है नहीं? तो दोस्तों फिलहाल अभी जो है फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, मंजन वगैरह भी कर लिया है, तो अब जो है ना भाई चाय आ चुकी है, तो भाई चाय पीते हैं और पापड़ वगैरह भी है। तो भाई अब कुछ बातें कर लेते हैं। बात पता क्या है कि मतलब थोड़ा सा भाई जो अभी मोहल्ले के लोगों ने जो है मिलके एक दो डीजे मंगाया है, तो डीजे हमारे जस्ट गांव के बगल में एक नहर पड़ती है यहीं पे ही, तो वहां पे थोड़ा सा जगह स्पेस है, तो वहां पे डीजे वगैरह मंगाया है, तो वहां पे अपना सभी लोग रुके हुए हैं वहां पे, जो मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो अभी जो है ना भाई थोड़ा सा टाइम वहाँ पे भी देते हैं कुछ युवा लोगों के साथ में, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मतलब बात वैसी कुछ नहीं है अब, लेकिन ये है कि भाई समाज के हिसाब से अगर रहना है समाज में तो सब लोगों को साथ में मिलके चलना पड़ता है। वैसे तो मुझे रंग वगैरह खेलना, गुलाल वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो बस मेरा बस अगर मन करे मैं आज सारा दिन अपने घर पे ही रहूं, कमरे में ही रहूं, कहीं ना जाऊं, लेकिन थोड़ा सा भाई चलना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी जो है चाय वगैरह पीते हैं और फिर अभी चलते हैं वहाँ पर थोड़ी देर के। भाई ना कुछ लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग सोचते मतलब मेरे बारे में सोचते हैं कि ये लड़का जो है ना घमंडी है, किसी से बात नहीं करता है, किसी से बोलता नहीं है। तो भाई कुछ लोगों की आदत होती है ज़्यादा नहीं बोलना, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मैं और वहाँ पे चल रहा हूँ कि लोग अपने मतलब मेरे बारे में गलत सोच ना रखें कि ये किसी से बात नहीं करता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरी आदत नहीं है ज़्यादा ये सब चीज़ें करने की अब, लेकिन ठीक है। तो अभी चाय पीते हैं फिर चलते हैं, थोड़ा सा आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं अपने यहाँ का। अभी चल रही है भाई यहाँ पे, देख रहा हूँ एक मूवी आ रही है बागी। अभी शायद परसों ही जो है रिसेंटली में अरविंद केजरीवाल जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि दिल्ली के सीएम हैं। क्या हो रहा है भाई आजकल पता ही नहीं। भाई ये हमारे जो है ना सब भाई हैं, वीडियोग्राफर लोग साथ में देखते होंगे, है ना। और ये भाई गोविंद है, ये देखो भाई ये सब लगाया है ना, ये पूरा स्प्रे वगैरह इसने लगाया है, कलर इसने लगा दिया, ये देख लो भाई यही है भाई, इसीलिए मैं बाहर नहीं आता था। देख लो पूरा कैसे बना दिया, बाल वगैरह देख रहा हूँ। अरे यार अभी चल यार है, ये देखो भाई पूरा आँख में डाल दिया, पूरा देख रहे हो भाई, पूरा नाक बंद कर दिया। यहाँ पे भाई ना बहुत सारा कलर पड़ा हुआ था, ये देखो कितनी गंदगी कर दिया है पूरा, वो देखो वहाँ लगा के चले गए, चले गया अभी उधर चले नहर पे डीजे। भाई ये सबसे पक्का मित्र है, लगाने के लिए आ गया, बस हो गया खुश, हम भी तो लगा दें, थोड़ा सा देना थोड़ा सा पियोली। जाओ ओके। तो गाइस अभी जो है घर से निकल चुके हैं, चल रहे हैं भाई मंदिर जहाँ पे मैं जाता हूँ, भवनेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पे चलते हैं क्योंकि आज मंडे है। मेरी बाइक तो जो है ना घर पे मतलब खड़ी है वहीं पे लखनऊ में, और मैं आ चुका हूँ आज पापा की बाइक से चल रहे हैं इनकी स्कूटी से। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं मंदिर भवनेश्वर धाम, ये भवनेश्वर मंदिर। भाई मंदिर तो पहुँच गए हैं और शर्ट वगैरह भी चेंज करके ही आ गए थे, क्योंकि व्हाइट शर्ट पहन ले ज़्यादा ठीक लगेगा। और भाई गुलाल लाना भूल गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा भाई भगवान को भी जो है गुलाल लगाएंगे। तो आज मैं आपको सही बताऊं, मैंने इस बार जो है ना होली में 5 रुपये तक भी गुलाल नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया है, तो केवल 5 रुपये का गुलाल लेंगे फिर चलेंगे मंदिर। तो शायद परचून की दुकान है भाई, यहाँ पे गुलाल है थोड़ा सा, भैया गुलाल दे दो ये दे दो, 5 रुपये का देना, 5 रुपये का। तो भाई 5 रुपये का गुलाल लेंगे ऑरेंज वाला। वैसे गाइस ना आज मंडे है, लेकिन हिसाब से जैसे होली का त्यौहार है तो इतनी भीड़ नहीं होना चाहिए, फिलहाल काफ़ी भीड़ है मंदिर में। भाई ये लोग तो बाद में घर पे जाके नहाएंगे, क्योंकि इन लोग को अभी रंग भी खेलना है, और फिलहाल मैं जो है ना आज मेरा नहाने का मन कर रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा साठ डुबकी लगाएंगे फिर चलेंगे मंदिर के अंदर। ये देखो भाई यहाँ पे नाव है, इससे जो लोग यहाँ पे लोग आते हैं ना तो घूम भी सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं। एक नाव है, दो है, तीन, 4-5 नाव है शायद यहाँ पे। भाई फिलहाल जो है अभी गुलाल ले लिया है, पुष्प वगैरह ले लिया है, जल ले लिया है, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय महादेव शिव शंभू। भाई पहुंच चुके हैं अपने महादेव के पास में, अब जल चढ़ाते हैं। की जय,
हर हर महादेव की जय, शिव शंभु की जय, महा जय प्रभु श्री रामचंद्र की जय, जय हो प्रभु। तो भाई फिलहाल जो है अब हमारा दिन जो है पूरा हो गया है, क्योंकि जब तक सोमवार को जो है ना महादेव के दर्शन नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं, तब तक जो है सब कुछ अधूरा सा लगता है। एनीवे भाई पूजा वगैरह कर लिया है और अब जो है चलते हैं सीधा घर। आज वैसे जो है ना इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि होली का दिन है। वैसे तो सोमवार को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मेला भी लगता है, बहुत से लोग दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन त्यौहार है ना होली का, इसी वजह से भीड़ ज़्यादा नहीं है, कहीं भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। एनीवे अब निकलते हैं घर। तो भाई फिलहाल जो है चलो अब चलते हैं रेडी। ये लगा क्या रखा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, इसको देखो, ये पता कौन है, ये देखो है। चलो भाई, भाई गेहूं भी कटने वाला होगा, लगभग 20-25 दिन में कट जाएगा ना। इधर भाई आम वैसे बहुत सारा आया हुआ है इस बार। भाई फिलहाल जो है मैं अभी जस्ट वहां से होके घर आ चुका हूं। वहां पे समथिंग बस मैं 5 ही मिनट रुका हुआ था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे ज़्यादा मतलब ये शोर शराबा और ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वहां पे भाई ऐसे ऐसे सॉन्ग बजाए जा रहे थे, मुझे ये सब बिल्कुल भी, मुझे सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी घर आ चुका हूं, तो सबसे पहले नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई फिलहाल जो है अभी नहा धो के आ चुके हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, अब खाते हैं खाना। तो भाई सारा कलर वगैरह तो छूट गया है वैसे। तो भाई फिलहाल अभी जो है खाना आ चुका है आज का। तो आज ये भाई आलू की कचौड़ी है, पूड़ी है, पुलाव है और ये छोला बना हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल जो है अभी खाना वगैरह खा के जो है घर से आ चुका हूँ। यहाँ यहाँ पता क्या मिलता है मुझे, सुकून और शांति और कुछ टाइम अपने लिए निकालता हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे भाई ना मैं एक्चुअली आ चुका हूँ अपने खेत के पास में। यहाँ पे बस चारों तरफ जो है खेत वगैरह हैं, हरियाली है, और सबसे बढ़िया चीज़ है ना नेचुरली बिल्कुल हवा चल रही है। और दो चीज़ के लिए आया हूँ, पहली बात नेचुरली हवा के लिए और सुकून और शांति के लिए। वैसे तो भाई आज होली का दिन है तो जगह जगह डीजे बज रहे हैं, हर मोहल्ले और हर गाँव में, और होली का त्यौहार है तो भाई सब लोग रंग वगैरह यही सब चीज़ें हैं। फिलहाल मैं घर से निकल के आ ही रहा था तो जहाँ पे डीजे बज रहा था वहीं पे लोग कुछ लोगों ने फिर से भाई देखो लगा दिया, यहाँ पे गुलाल बालों में लगाया और शर्ट में लग गया। लेकिन अब भाई क्या कर सकते हैं, त्यौहार है, किसी को कुछ क्या ही कहें। एनीवे तो भाई अब फिलहाल हम जो है साइकिल से आए थे तो यहीं पे अब समथिंग 1-1.5-2 घंटे जो भी है यहीं पे बैठेंगे, फिर चलेंगे बाद में घर। तो भाई मैं साइकिल से आया था, मेरे साथ में पानी की बोतल है, पानी लेके आया था, एक डायरी है और भाई पेन है, कागज़ है, कुछ यहाँ पे काम भी करेंगे अपना। वैसे तो भाई मुझे चारों तरफ यहाँ पे भाई धूप है वहाँ पे, बट यहाँ पे भाई लिप्टिस का पेड़ है क्लस्टर का, तो यहीं पे भाई थोड़ा सा छांव है, यहीं पे बैठेंगे, बोतल निकालते हैं। तो भाई फिलहाल पेन डायरी लेके मैं यहाँ पे नीचे बैठ चुका हूँ और जो है अब जो है यहाँ पे कुछ अपना काम करेंगे ऑफिस का, और कुछ वीडियो के बारे में भी इसमें लिखना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, और नेट की मुझे ज़रूरत थी तो वहाँ पे मेरा नेट का भी काम हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि मुझे ना शोर शराबा और ये ज़्यादा लोगों की भीड़ और लफड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता भी चुका हूँ। और ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मैं व्लॉग बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ तब मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ मैं। मुझे भाई मतलब थोड़ा सा एकांत में सुकून में बैठना, शांति जहाँ पे कोई भी ना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब फिलहाल ठीक है जो भी है तो यहीं पर बैठें। मेरे पास वैसे कई सारी डायरियाँ हैं, समथिंग 3-4, बट ये वाली मैं लेके आया हूँ, ये देख सकते हो भाई, मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी, ये लिखा हुआ है। ये भाई ना ये मैंने बनाया है पेंटिंग क्या है, बस ऐसे ही मतलब बस मन हो गया, अच्छा लग रहा था मैंने बना दिया। ये सारा कुछ मेरा ही लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये सब कुछ आई विश आई हैड वर्क सो हार्ड, काश मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत ना की होती, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब लिखा करता हूँ मैं। ये टाइटल्स वगैरह हैं यूट्यूब के, SGPG हॉस्पिटल लखनऊ, इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना है, कुछ मैं बना भी चुका हूँ। यहाँ पे मुझे समथिंग 10-15 मिनट हो गए होंगे, तो टाइम दिखाते हैं कितना हुआ है। भाई 1:26 हो रहा है, मैं निकला था घर से 1:10 पे, तो मुझे यहाँ पे समथिंग 10-15 मिनट हो। और दोस्तों मुझे आज ऑफिस भी जाना है क्योंकि नाइट ड्यूटी है, तो शाम को ऑफिस भी निकलेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा या फिर बाइक से चलेंगे, क्योंकि आज बस तो मुश्किल है मिलना, तो क्योंकि शाम को देखते हैं शाम का जैसा भी होता है। फिलहाल
भाई मैं गांव से अपने घर से इतनी दूर आया हूं कि यहां पे थोड़ा सा सुकून और शांति मिलेगी, लेकिन पता क्या है, इस तरफ से आवाज आ रही है, आज ब्लू है पानी पानी, और उस तरफ से आवाज आ रही है दूसरे गांव की तरफ से, मैं नागिन तू सपेरा। ये भाई मुझे लगता है हर गांव में डीजे बज रहे हैं, तो आवाज चारों तरफ से आ रही है, इधर का गाना चेंज है, उधर का चेंज है, कहीं डीजे बज रहा है तो कहीं भांगड़ा बज रहा है, ठीक, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बहुत सुकून और शांति मिल रही है मुझे। ये देखो भाई मस्त हवा चल रही है यहाँ पे, पत्ती देखो कितनी तेज हिल रही है भाई, ये देखो क्या आनंद है यहाँ पे, कैसी हवा चल रही है मस्त। इस हवा के आगे दोस्तों सारी हवा फेल है, मतलब पंखे की, कूलर की, एसी की, सारी कूलिंग बेकार है, जो इस हवा में बात है ना वो कहीं और नहीं है। भाई मैं एक चीज़ और बताऊं कि मैं सोच ही रहा था कि आज के समय में सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं लोगों को, अब पता क्या है, वो अपने सबके घर में कूलर है, एसी है, बंद कमरे में जो है लेटे रहते हैं, सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, गाड़ी में जाते हैं फिर भी एसी, ऑफिस में एसी, कमरे में एसी, इसीलिए ना उनको सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो यही सब चीज़ें हैं बीमारी के लक्षण, और क्या है भाई। भाई अब पानी पीते हैं क्योंकि अब ना गर्मी बहुत होने लगी है और धूप भी हो रही है, तो पानी पीते हैं। केवल बोतल ही लेके आए थे, गिलास तो लाना भूल गए थे। वो देखो दोस्तों अभी जो है ना शाम का टाइम होने वाला है, तो कुछ लोग अपने जिसके घर में गाय वगैरह भैंस वगैरह हैं, तो भैंस वगैरह को घास खिलाने के लिए दादी आ गई हैं, सभी लोग आने लगे हैं। और टाइम दिखा देते हैं, टाइम हो रहा है दोस्तों 3:46। ये भाई तो भाई अभी ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और मैं घर से निकला था 1:10 पे, तो ऑलमोस्ट मुझे समथिंग 2.5 से 3 घंटा हो गए यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा और कुछ मेरा यहाँ पे काम भी हो गया और अच्छा भी लगा। तो अब जो है निकलते हैं भाई घर के लिए, तो घर में देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे क्या, फिर चलते हैं घर, स्लीपर पहनते हैं, चलते हैं। भाई 4 बज चुके हैं बट ऐसा लग रहा है कि अभी समथिंग 1 या 2 ही बज रहा है, क्योंकि ना धूप अभी भी बहुत तेज़ हो रही है। एनीवे मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखिए आप, कितना मस्त लग रहा है। मस्त का मतलब क्या है, गेहूं वगैरह है, जहां तक नज़र जाएगी आपकी आगे से पीछे तक सारा भाई जो है गेहूं वगैरह है। मेरे पीछे नहर आ चुकी है, ये आप देख सकते हो, ये शायद कल शाम को ही आई थी नहर, तो नहर से ही भाई ये जो जितने गेहूं के खेत हैं, गेहूं, धान, पिपरमिंट जो भी होता है सब नहर के पानी से ही हो जाता है। वैसे भाई जो है साइकिल चलाना चाहिए डेली समथिंग 3-5 किलोमीटर तो चलाना ही चाहिए, बल्कि जितना आप चला सकते हैं उतना, क्योंकि पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ पैर अच्छे से पूरा फिट हो जाता है। आफ्टर 4 आवर्स लेटर कंटिन्यू ब्लॉग, और मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल ऑफिस, और अब इसके आगे का कोई ब्लॉग जो है बनाने का फिलहाल अभी के लिए जो है ना विचार नहीं है। और ठीक है फिलहाल जो है इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और चैनल पे आप लोग नए हो, अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा भी नहीं फिलहाल, अब जो भी बातें करनी होंगी तो कल बात करते हैं, फिलहाल मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस आप सभी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।